जब आप सो रहे होते हो तो कई बार लगता है कि आपकी छाती पर कोई आके बैठ गया है। काफ़ी लोगों को ये होता है और लगभग एक साल में 2 या 3 बार हर पर्सन को ये होता है एवरेज। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस घटना को कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस, यानी आपकी बॉडी पैरालिज होती है जब आप स्लीप कर रहे होते हो, जब सो रहे होते हो, और तब आपके आपकी बॉडी को इस चीज़ की नीड होती है। जैसे कि आपने अपनी छाती पर अपना हाथ रख के सोते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता बॉडी में, जिससे आपके माइंड पर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाती। इसलिए आपका माइंड वैसी इमेजेस क्रिएट करता है जिसमें आपको कोई मार रहा है या फिर आप हिल नहीं पा रहे हो, आपकी छाती पर कुछ बैठ गया है, ऐसा कुछ। एंड जब आपको प्यास लगती है, जब आप सोने से पहले पानी नहीं पीते और गर्मी का टाइम होता है, एंड तब भी ये ज़्यादातर देखा जाता है कि ऐसे सपने आते हैं भूतों वाले, जिससे आप जाग जाते हो, बुरे सपने आते हैं। वो इसलिए कि क्योंकि आपकी बॉडी को पानी की नीड होती है और आपको जगाने के लिए, आपको नींद से बाहर निकालने के लिए वो आपका माइंड आपको ऐसे सपने दिखाता है जिससे कि आप डर जाओ और जाग जाओ, नींद से बाहर आ जाओ। और इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपकी छाती पर कोई भूत आके बैठ गया या कोई डायन चुड़ैल आके बैठ गई, बिल्कुल भी नहीं। तो साइंटिफिकली इन बातों को समझिए और अपनी लाइफ में उतारिए। थैंक यू गाइस, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो, इम्पोर्टेंट लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।